नमस्ते, मैं सुमनलता दीक्षित। आज मैं अपनी किचन में गणेश चतुर्थी के लिए बिना गैस जलाए मोदक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बनाने में तो है ही आसान और खाने में भी बहुत लाजवाब है। चलिए देखते हैं इनको कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए ये 200 ग्राम पनीर है, इसको ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से, और अब इसको एक बाउल में डालेंगे। आधा कप मिल्क पाउडर डाल देंगे, चौथाई कप कोकोनट पाउडर, चौथाई कप चीनी का पाउडर या स्वाद अनुसार, 5-6 इलायची का पाउडर डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच टूटी फ्रूटी। और अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मैंने मोदक का सांचा लिया है, ये बाजार में आसानी से मिल जाता है। थोड़ा सा घी लगा देंगे इसके अंदर, और अब इसमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी रख देंगे। अब थोड़ा सा ये मिक्सचर लेंगे, इसको इस तरह से करके इसके ऊपर रख देंगे, इस तरह से। और अब इसको बंद कर देंगे, अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे यहां से। और अब इसको खोलेंगे, कितनी सुंदर लुक है इसकी। इसी तरह से मैं अब दूसरा बनाऊंगी। और अब इसको बंद कर देंगे और प्रेस कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा उसको निकाल देंगे। और अब इसको खोलेंगे, कितना अच्छा बना है और कितना बनाना आसान भी है ये। इसी तरह से सबको बना लेंगे। लग रहे हैं ना ये मोदक कितने लाजवाब, देखने में जितने सुंदर हैं खाने में भी उतने टेस्टी हैं, और बनाने में तो बहुत ही आसान है। इस गणेश चतुर्थी पर आप भी इस मोदक की रेसिपी को जरूर बनाना। पनीर मोदक बनकर तैयार हैं। चलिए मिलते हैं एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। बाय।